कनाडा और भारत के बीच तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देश एक दूसरे के शीर्ष राजनयिकों को निष्कासित कर चुके हैं। इस बीच दर्जनों खालिस्तानी समर्थक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखे। कनाडा के वैंकूवर में प्रदर्शनकारियों ने खालिस्तान के झंडे लहराए, संगीत बजाया और नारेबाजी भी की। उनमें से कुछ ने भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर भारतीय ध्वज का अपमान भी किया। टोरंटो में भी इस तरीके के विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। इस बीच वैंकूवर पुलिस विभाग ने एहतियातन भारतीय वाणिज्य दूतावास के आसपास की सड़क को सील कर दिया है, बंद कर दिया है। और कनाडा के सीटीवी न्यूज की खबर के मुताबिक होवे स्ट्रीट पर भारतीय वाणिज्य दूतावास के प्रवेश द्वार को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। खबर के मुताबिक विश्व सिख संगठन ने पहले ही उकसावे और दखल की आशंका को लेकर चेतावनी जारी कर दी थी और सतर्कता बरतने का आह्वान किया था। कनाडा के सीटीवी न्यूज की खबर के मुताबिक होवे स्ट्रीट पर भारतीय वाणिज्य दूतावास के प्रवेश द्वार पर इसे रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। विश्व सिख संगठन ने पहले ही इसे लेकर चेतावनी जारी कर दी थी और अपने लोगों से कहा था कि आप सतर्क रहें। संगठन के प्रमुख तेजिंदर सिंह सिद्धू ने एक बयान निज्जर के हत्यारों का पता लगाने के आह्वान में किया था। खबर के मुताबिक सिद्धू ने आगे कहा कि अगर समुदाय के लोग असुरक्षित महसूस करते हैं या हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हें तुरंत कानून प्रवर्तन से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आप जाकर फौरन एक्शन लें। एक्स पर एक पोस्ट में वैंकूवर पुलिस ने यह भी बताया कि होवे स्ट्रीट डब्ल्यू कार्डोवा और डब्ल्यू हेस्टिंग्स स्ट्रीट के बीच वाहन यातायात के लिए पूरी तरीके से बंद है और ये एहतियातन कदम उठाए गए हैं। ये भी कहा गया है कि अगली जो वैकल्पिक मार्ग की योजना है वो जब तक नहीं बताई जाती तब तक आप इसे पूरी तरीके से अवॉइड करेंगे। भारत में श्रीलंका के निवर्तमान उच्चायुक्त मिलिंडा मोरागोडा ने कहा कि कनाडा के आरोपों पर भारत की प्रतिक्रिया मजबूत और सीधी रही है और कोलंबो इस मामले में नई दिल्ली का समर्थन करता है। तो अब पूरी तरीके से कनाडा भारत के समर्थन में आ गया है। वहाँ के विदेश मंत्री साबरी ने भी कहा कि श्रीलंका के लोगों को आतंकवाद के कारण नुकसान उठाना पड़ा है, उनके देश के आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। भारत के खिलाफ कनाडा के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत की प्रतिक्रिया मजबूत एवं सीधी रही है और जहाँ तक हमारा सवाल है हम इस पर भारत का पूरा समर्थन करते हैं। इसके साथ ही अब उन्होंने ये कहा कि मैं अब अपने जीवन काल में 60 वर्ष का हो गया हूँ, अपने जीवन के 40 वर्ष हमने श्रीलंका में आतंकवाद के अलग अलग रूपों का सामना करते हुए बिताया है और आतंकवाद की वजह से कई दोस्तों और सहयोगियों को हमने खो दिया है। हम सभी का मतलब है कि कई श्रीलंकाई आतंकवाद के कारण मारे गए, इसलिए मेरे विचार से इन मामलों पर स्थिति बहुत ही स्पष्ट है क्योंकि हमने सहन किया और हमें नुकसान उठाना पड़ा है और एक ऐसे देश के रूप में जो आतंकवाद के प्रति सहिष्णुता से गुजरा है वो जीरो टॉलरेंस है। कनाडा में रह रहे भारतवंशी दोनों देशों के बीच जारी कूटनीतिक खींचतान से वहां पर चिंतित हैं और कनाडा के वरिष्ठ पत्रकार हरलीम सादिया ने बताया कि भारतवंशियों की चिंता जायज है क्योंकि आए दिन उन्हें खालिस्तानी धमका रहे हैं, भारत वापस जाने के लिए उन्हें धमकी दी जा रही है। तो कनाडा एक तरफ भारत से अपने रिश्ते तल्ख कर रहा है, दूसरी तरफ वहां पर भारत विरोधी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। अब ऐसे में भारत इन मसलों को कैसे सुलझाता है क्योंकि दुनिया भर से उसे समर्थन मिल रहा है और कनाडा की किरकिरी भी हो रही है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।